कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करें अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। एक्सीडेंट क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग दुर्घटना। क्या बोला जाएगा? दुर्घटना। और ये रैंडम होता है, ठीक है, रैंडम एक्सीडेंट। किसी कारण से या किसी ऑपरेटर के गलती के वजह से या किसी सिस्टम के फेलियर के वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, जिससे हमारा बहुत ज्यादा लॉसेस होता है, जैसे कोई इंसान कर्मचारी की डेथ भी हो जाता है कई बार। तो ये जो एक्सीडेंट है, इसको एक्चुअल डेफिनेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर BOE के एग्जाम में आता है कि IBR रूल के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट क्या होता है, तो एक्सीडेंट क्या होगा? एक्सीडेंट मींस एन एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर और बॉयलर कंपोनेंट व्हिच इज कैलकुलेटेड टू वीकन द स्ट्रेंथ और एन अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वाटर आर स्टीम देयर फॉर लियबल टू कॉज डेथ आर इंजरी टू एनी पर्सन डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि मीन्स एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर, बॉयलर का एक्सप्लोजन या बॉयलर कंपोनेंट या किसी बॉयलर के कंपोनेंट का एक्सप्लोजन हो जाना, जिसके वजह से क्या होता है, कैलकुलेटेड टू वीकन द स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ में कमी आने की वजह से अगर कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, जिससे हमारा क्या होता है, अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वाटर एंड स्टीम, वहां से क्या होगा, कोई भी पार्ट्स अगर फटेगा तो उसमें हाई प्रेशर होता है, तो अनकंट्रोल्ड जो स्टीम और वाटर वहां से रिलीज होते हैं, उसके वजह से क्या हो सकता है, नीचे काम करने वाले कर्मचारी का या श्रमिक का क्या आ जाना, उसके संपर्क में आ जाना, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका डेथ हो सकता है, इंजरी हो सकता है, या एनी पर्सन डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, और किसी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट IBR के रूल में, जैसे आपने देखा होगा कई बार बॉयलर फटता है या कुछ कुछ चीजें जल जाती हैं, जिसके वजह से क्या हो जाते हैं, चिमनी उमनी में कई बार चिमनी गिर जाता है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, है ना। तो ये IBR के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा, ये मींस एनी एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर आर बॉयलर कंपोनेंट व्हिच इज कैलकुलेटेड टू वीकन द स्ट्रेंथ आर इन कंट्रोल अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वाटर एंड स्टीम दे आर फॉर्म लियबल टू केस डेथ आर इंजरी टू एनी पर्सन एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी, दैट्स कॉल्ड एक्सीडेंट।